आज हम जानेंगे कि डिजिटल क्लॉक को कैसे सेट करते हैं, उसका टाइम, आवर्स का टाइम, के बाद सेकंड का टाइम, देन उसका मंथ, डेट, एएम, पीएम कैसे सेट करते हैं, ईयर, उसको हम आज सेट करना जानेंगे। सबसे पहले हम अपने घड़ी के बैक साइड को देखेंगे। इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे 6 बटन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये रेड वाला 6। ये रेड वाला ये रीसेट बटन है। इस रीसेट बटन को हम अगर प्रेस करेंगे तो हमें एक आवाज़ आएगी, इसका मतलब अब हमारा ये क्लॉक रीसेट होने को रेडी है। ये देखिए, इस टाइप से हो जाएगा, ये सब ये रेडी है अब हमारा रिस्टार्ट के लिए। अब इसमें बटन्स होते हैं, मोड बटन, अप बटन, डाउन बटन, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट एंड स्नूज। अब इसमें हमारा मेनली यूज़ होता है 3 बटनों का, जिसका नाम है मोड, अप एंड डाउन बटन। सबसे पहले हम मोड बटन को 5 से 10 मिनट के लिए प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद हम इसे रिलीज़ कर देंगे। तो हम आगे देखेंगे कि हमारा जो आवर का पोर्शन है वो ब्लिंक करने लग गया, अब ये रेडी है सेट होने के लिए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम डाउन करेंगे। अगर अप करेंगे तो ये एएम दिखाएगा, लेकिन अब हम इसे अगर डाउन करेंगे, देखिए डाउन करेंगे तो ये पीएम में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे 2:40 हो चुके हैं, तो हम इसे सेट करेंगे, ये हो गया टू आवर्स। अब इसको सेकेंड में लाने के लिए अगेन हम मोड बटन को एक बार प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो ये मोड बटन सेकेंड वाले बटन में आ गया। अब हम इसे अप करेंगे 40 मिनट्स के लिए। ये देखिए, हमारा ये 40 में जाता जा रहा है। इसको हम बार बार प्रेस करेंगे, इसको सेट करने के लिए हम 40 करेंगे। अभी हमारा 2:40 हो चुका है पीएम, यहाँ पे पीएम भी हो गया है और ये हमारा सेट हो गया है। इसका हम डाउन करेंगे 2:40, ये टाइम सेट हो गया। अगेन हम मोड बटन को प्रेस करेंगे एक बार, सिंगल बार, तो ये हमारा देखिए हमने दबा दिया। अब ये आ गया ईयर, यहाँ दिखा रहा है 2008 ईयर। अब हम इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 8 को 21 में कन्वर्ट करेंगे, तो वो अप करेंगे। अप बटन को दबाते रहेंगे, 9 10 11 12 13। आप देख रहे होंगे कि ये वीक भी चेंज हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसको चेंज करते जाएंगे, चेंज करेंगे, अभी 2021 चल रहा है। देखिए यहाँ फ्राइडे आ गया है। अब हम फिर से मोड बटन को एक बार सिंगल प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा ये मंथ आ गया है, जैसे ये हमारा आज का मंथ चल रहा है 4th अप्रैल। 4th अप्रैल के लिए अप करेंगे 2 3 4, ये 4 हो गया है। अब ये डेट, आज हमारी डेट है 10th अप्रैल, तो हम इसको अप करेंगे। ये देखिए 2 अब ये देखिए, अब ये आ गया। हम इसे 10 करेंगे, देन अप बटन को क्लिक करेंगे, 5 6 7 8 9 10। आज 10 डेट है, तो ऑटोमेटिकली सैटरडे यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब आप देखिए 2021 ये आ चुका है और ये 10 है। अगेन हम अपने मोड को एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारा अलार्म क्लॉक सेट करने का टाइम आ गया। अब हम एएम 5 बजे का 5:30 का अलार्म रखेंगे, देन इसको हम अप करेंगे, तो ये देखिए 4 5, हम 5 बजे का अलार्म रखना चाहते हैं। तो फिर हम इसको मोड में क्लिक करेंगे, सेकंड में आ जाएगा, देन हम इसको फिर अप करेंगे, 5:30 का अलार्म लगा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे ये चेंज होता जा रहा है, 20 21 22 23, ये 5:30 हमारा अलार्म सेट हो गया है। हम इसको 5:30 सेट हो गया, सारी चीज़ें हमारी सेट हो गई है।
फिर हम इसको मोड में चेंज कर देते हैं। स्नूज, एक बार स्नूज करेगा ये मॉर्निंग टाइम में। अब ये हमारा हो गया है, अब इसको हम आ गया। अब ये हमारा 2:41 PM, 2 PM 41 मिनट हो चुका है। मंथ 4th महीना चल रहा है, डेट 10th है, सैटरडे आज का दिन है। ये हमारा घर के अंदर का टेम्परेचर है। ये अब हमारी घड़ी पूरी तरह सेट हो चुकी है। इस तरह से हम अपनी घड़ी को आराम से सेट कर सकते हैं डिजिटल क्लॉक। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।